हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनी बनाने के लिए एक बाउल में इमली को एक घंटे के लिए भिगो दे। इमली हमने बिना सीड के ली है। जितनी इमली है उतना ही गुड़ लेना है, या उससे थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। एक घंटा भिगोई हुई इमली को हम अब मिक्सी के जार में डालकर मिक्स करके पीस लेंगे। इसका बहुत अच्छे से ये पेस्ट बन गया है। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। इस बैटर को बहुत अच्छे से छान लेंगे। थोड़ा सा ये थिक लग रहा है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। एक पैन में इस पल्प को डालकर धीमी आंच पर पकाएंगे। इसमें पिंच सी हींग, थोड़ा सा काला नमक, सफेद नमक, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, टमाटर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा सौंठ पाउडर। अब इसको बहुत अच्छे से धीरे आंच पर रखकर पकाते जाएंगे। दस पंद्रह मिनट के लिए इसमें अच्छे से उबाल आने के बाद अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ को मेल्ट होने तक 5 से 10 मिनट तक अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे, जिससे जो गुड़ की खटास है वो कम हो जाए और इसका बैलेंस बन जाए। अब इसमें थोड़े से काजू डाल देंगे। और गैस को बंद कर दें। लीजिए, हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है। इसे आप कांच की बोतल में डालकर फ्रिज में रखकर काफी टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे आप दही भल्ले, चाट पापड़ी के ऊपर डालकर सर्व कर सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।